First question to you is, what's your first thought on IDATM? आपका क्या कैसा लगा आपके ये platform है? तो अच्छा, बहुत अच्छा लगा कि लीडरशिप के लिए आप काम कर रहे हैं, और मैं तो लीडर नहीं हूँ लेकिन लीडरशिप होना बहुत आवश्यक है। तो अगर लीडरशिप आपके कारण अच्छे लीडर पैदा हुए, खासकर राजनीति में, तो मुझे बहुत अच्छा लगे। आप बहुत मॉडेस्टली बोल रहे हैं, आप लीडर में, आपसे बड़ा लीडर कौन होगा? क्योंकि आपने जिस तरह से करप्ट सिस्टम में जाके उसे बदलने की कोशिश की, जबकि आपके ऊपर बहुत तरह के दबाव आए, राजनीतिक दबाव आए, आपराधिक तत्वों ने आप पे टारगेट किया, उसके बावजूद आप स्टेडफास्ट रहे। आपके दिमाग में क्या चल रहा था जब आप, कभी आपको थ्रेट्स आते थे, जब आप पे प्रेशर आता था, इंटरनली प्रेशर आता था मशीनरी का, गवर्नमेंट मशीनरी का, व्हाट वाज गोइंग टू योर माइंड? मैंने ये सोच लिया था कि कहीं गुंडे, बदमाश लोग कई लोगों को मरवा डालते हैं, और हमेशा खबरें आती रहती है कि इस गैंग ने इसको मारा, इस गैंग ने इसको मारा, वगैरह वगैरह। तो वैसे भी मैंने देखा कि ये सब जो जिस ढंग का राज चल रहा है हमारे लोकशाही में, प्रजातंत्र में, उसमें आदमी को देखा जाए तो सही मायने में देखा तो कुछ कीमत नहीं है। कब किसको ख़त्म किया जाएगा कोई बोल नहीं सकती है। हमारी पुलिस तंत्र इतना भ्रष्ट है, न्याय मिलने का कोई संभावना नहीं है। राजनेता लोग इतने गुमराह करते हैं, उससे न्याय की अपेक्षा नहीं है। ऐसे में हम डर के जिंदा रहने के बजाय अगर हम मारे भी जाते हैं तो उसमें क्या कोई नई बात है? तो इसलिए मरने का डर तो रहा नहीं था। फैमिली सर्वाइवल थोड़ा सा लगता था, लेकिन जो होगा सो देखा जाएगा, क्या करेंगे जो। तो इसलिए डर निकल गया था, और जैसे मैंने कहा, ईमानदारी तो थी बेसिकली, और ख़ासकर लोगों का दर्द जो मैं देखते आया था बचपन से, क्योंकि मुझे ये अभाव में काफ़ी जीना पड़ा है, और ख़ासकर मेरे भाई वगैरह जो इतना कष्ट उठाते थे पूरे दिन रात लगा कर, फिर भी अगर अकल पड़ता है तो उसकी अवस्था बहुत ख़राब हो जाती थी फैमिली की। तो ये केवल मेरे परिवार वाले नहीं, गांव वाले भी और आसपास भी मैंने देखा था। तो यहाँ आने के बाद थोड़ा वो शायद इवॉल्व या एक्सपांड हुआ होगा, और सब विचार है चलो यहाँ मौका है, हम कम से कम कुछ लोगों का भला कर सकते हैं। तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद कैसे की जाए, इसके लिए मैं तड़पता रहा दिन रात। सर, आप बोल रहे हैं कि मदद कैसे की जाए लोगों की। जब भी मैंने आपका पिछली बार इंटरव्यू किया था, मैं आपसे मिलने आया था, आपने बताया था कि जब भी आप BMC के डेप्यूटी कमिश्नर थे, आपकी रियल सिस्टर मुंबई में चर्च गेट में काम करती थी। तो आपने अपनी फैमिली के ऊपर स्पेशली, लोग बहुत लोग देखते हैं जो अपने परिवारवाद की बात होती है, वो हमेशा अपने परिवार को नेपोटिज्म करते हैं वो लोग, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? शायद कहीं ना कहीं मन में ये होता है कि परिवार केवल अपना ही परिवार नहीं होते, पूरा देश ही अपना परिवार है, या कहो कि सभी मानव जाति ही अपना परिवार है एक दूसरे को ये देखा जाए। तो ऐसे में केवल मेरे बहन भाई को मैं पैसा देकर, और ख़ासकर पगार का पैसा इतना नहीं था कि जिससे मैं हमारे परिवार वालों को बहुत पैसा दे सकता था। अच्छा, वो जो काम करती थी तो महीने का कुछ ना कुछ कमाती होगी, अगर वो उसे कमाना बंद कर दिया तो मेरी इतनी औकात नहीं थी कि वो मैं उसको भरपाई कर दूँ, तो इसलिए काम करना तो आवश्यक था। अच्छा, मेरी बहनें अकेली नहीं थी घर काम करने वाले, ऐसे कई लोग हैं जो घर काम करते हैं, कई लोग हैं जो और भी गरीबी में जी रहे हैं। तो ऐसे में केवल मेरी बहन के लिए मैं क्यों अपना सिद्धांत तोड़कर मदद करूं? पगार में तो ईमानदारी से कर ही नहीं सकता हूं, तो अगर कर भी सकता हूं तो बहुत मामूली। इसलिए फिर मैं मेरा सिद्धांत तोड़कर या भ्रष्टाचार को स्वीकार कर मदद नहीं करना चाहता था। जी, जब भी आपका टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर करियर, आपके करियर के एंड की तरफ जब भी एक वो पूरा सस्पेंशन वाला टाइम आया था, तभी अगर आप उस टाइम को पीछे मुड़ के देखेंगे तो क्या डिफरेंटली हो सकता था, क्या आप डिफरेंटली करेंगे अपने करियर में? शायद मेरा थोड़ा अंदाज़ा चूक गया। मैं जानबूझकर तो नौकरी से निलंबित होने की इच्छा तो थी नहीं मेरी, लेकिन उस समय की जो परिस्थिति थी वो मैं ढाक रहा था कि ये जो होने वाला है वो कौन करने वाला है,
कौन नेता है जो करेगा, वो नेता को कितना सपोर्ट है, वो भी मैंने जांच लिया था। और वैसे महानगर पालिका की मेरी नौकरी जब तक 2/3 कॉरपोरेटर जो चुनकर आते हैं वो जब तक पास नहीं करते तब तक मेरा निलंबन या मेरा सर्विस से निकालना असंभव है। उस समय शिवसेना का राज था और शिवसेना बीजेपी मिलकर राज था, शायद नहीं बीजेपी नहीं थी, शायद शिवसेना का राज था। और शिवसेना के नगर सेवक मेरे लिए इतने मरते थे उस समय काम के समय, वो बाकी छोड़ो पॉलिटिक्स छोड़ो, कि वो एक बार तो ठाकरे ने जब मेरा प्रस्ताव को विरोध करने के लिए उन लोगों को कहा तो उन्होंने एक ने तो धमकी दी थी कि हम नगर सेवक जितने भी 11-12 है जिसका जिनको अनुभव है खैरनार का वो हम शिवसेना में नहीं रहेंगे। तब ठाकरे ने मान लिया था दूसरे केस में, यानी नगर सेवक भी अपनी पार्टी छोड़ने की मानसिकता में थे मेरे लिए। वो छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे वो बात अलग, करें लोग स्वार्थी होते बात अलग होती है और असलियत वो अलग होती है बात अलग है, लेकिन उसमें हमारे मुझे जो भी जहाँ भी काम मिला है वहाँ के नगर सेवक इतने खुश रहते थे क्योंकि मैं जो भी विकास का काम है वो विकास का काम बहुत जल्दी जल्दी में करता था। और अधिकारी लोगों का जो अधिकारी लोग हैं वो भ्रष्ट तो है व्यवस्था, लेकिन उनको थोड़ा विश्वास दिलाया और थोड़ा प्रेम से लिया तो बहुत ही काम कर सकते हैं। जहाँ बहुत आवश्यक है कानून की तगादा है और या करना बहुत आवश्यक है उचित है पब्लिक इंटरेस्ट में, वहाँ मैं काम करता था। अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं सर्व होता है तो वो काम नहीं करता था। इसलिए अगर कुछ कारणवश 100-200 लोगों की झोपड़पट्टी तोड़ने का समय आया तो मैं उनको महानगर पालिका की दूसरी जगह का उल्लेख करता था और उनको बोलता आप वो वहाँ चले जाइए, वहाँ बनाइए, यहाँ ऐसे वैसे मैं तोड़ने वाला हूँ। तो जहाँ तक हो सके वहाँ तक मैंने वो किया था, क्योंकि जैसे ये हमारा जो तालाब है पानी का तालाब वही के वो अलग है, दूसरा एक तालाब है नाम विहार तालाब, तो वहाँ 1700 झोपड़े बन गए थे विहार तालाब के बाजू में, पहाड़ जैसा था वहाँ बन गए थे। और वो लोग अपना खाना धोना वगैरह वगैरह जो वही करते थे बीमारी का खतरा हो, तो मुंबई को वही पानी हम पिलाते हैं। तो आयुक्तों ने जब वो देखा विजिट के समय एक बार ऐसे ही यार में हमारा काफ़ी कॉम्प्लेक्स वहाँ है तो रेस्ट के लिए जाते हैं, तो संडे को जब हमारे कमिश्नर वहाँ गए और उन्होंने देखा तो मुझे बुलाया उसको और कहता कि ये काम ऐसा है नहीं, शायद पहले दूसरे डिप्टी कमिश्नर इस एरिया के थे उनको कहा जगह का कुछ कहाँ पे उनको रीलोकेट करना था जो जगह कह रहे थे इनफ नहीं है, तो हाँ तो वो एक साल तक वो काम नहीं किया उसने रिमोल का, फिर मुझे बुला लिया कहा कि देखो ऐसा ऐसा है पानी खराबी है हमारे अंग पर आएगा ये करना बहुत आवश्यक है। तो मैंने सब कुछ लोगों से वहाँ साइट पर बुलाया चर्चा की, फिर मेरे हाफी में भी बुलाया उससे भी बताया कि देखो ऐसा है आप यहाँ बाजू में ज़मीन पड़ी हुई है हमारी वो वहाँ आपको पानी की सुविधा आगे चल कर दी जाएगी, आज पानी नहीं है हम बोरिंग वगैरह करके वो पानी से आप चलाना होगा कुछ दिन में, फिर आगे की पानी पीने की व्यवस्था मैं करूँगा आप यहाँ चले जाइए नहीं तो मुझे डिमोलिशन करना होगा। तो मुझे थ्रेटनिंग देने के कोर्ट है ये है आप कैसे डिमोलिशन करेंगे, तो फिर मैंने अल्टीमेटली डिमोलिशन का निर्णय लिया क्योंकि जो पब्लिक इंटरेस्ट का सवाल था, पीने का पानी गंदा हो रहा था उसको निकालना बहुत आवश्यक था जी। अच्छा उसको पर्याय जगह हम दे रहे थे वो जाने के लिए तैयार नहीं थे, तो ऐसे में फिर मैंने बुलडोजर वगैरह लेकर सब बड़ा तमाज नामा लेकर 100-200 वर्कर्स वगैरह लेकर मैंने वहाँ आ गया और डिमोलिशन करने के लिए एक दो झोपड़ा तोड़ना मामूली शुरू कर दिया। तो इसका परिणाम ऐसा हुआ कि सब लोग आकर मुझे बोलने लगे साहब माफ़ करो ना हम खुद निकाल लेते, और लोग निकालने में भी कहने के पहले ही अपना अपना निकालना शुरू कर दिया था। तो फिर मैं और भी दो चार जो भी लोग आए होंगे उनके नेता भी होते
अगुवाई करने वाले उनको भी बुला लिया, अगर आप ये सब निकाल लेते हैं मैं आज डिमोलिशन नहीं करनी, मैं दो दिन का आपको टाइम देता हूँ, आप सब निकाल कर ये प्लॉट पर चले जाइए, आगे की सुविधा आप मैं ज़रूर आपको जितना हो सके उतना दूंगा लूँगा, लेकिन आज आपको शिफ्ट होना आवश्यक और चाहे दूसरे या तीसरे दिन सब लोग वहाँ से शिफ्ट हो गए। कमिश्नर जब आए शिफ्ट खुद को खुद अपना सामान ले जा रहे थे, तो वो लगते थे मुझे तो भारत पाकिस्तान का डिवीजन हुआ और लोगों का जो भागने की जो कोशिश थी मुझे वही याद आ रही है, आपने अच्छा किया। और फिर उनको वो आदमी पानी भी नहीं सुन देता है, आपने सुविधाएं वगैरह भी करवाई उनकी जगह पर, हैंडपम्प वगैरह सब लगे। हाँ हैंडपम्प वगैरह पहले हैंड हुआ तो हुआ था ही, हैंडपम्प लगा दी तुरंत और आगे चल कर पानी का। बहुत 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 शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस एंड क्रिएटिंग दिस इवेंट, थैंक यू वेरी मच सर।